बिहियां प्रखंड अंतर्गत 14 पंचायतों में क्वारंटाइन का सेंटर बनाया गया है ताकि असहाय गरीब और कोरोना से संक्रमित लोगों का वहां पर रखकर इलाज किया जा सके। लेकिन उसमें से मात्र 7 जगहों पर 7 पंचायतों में ताला लटका देखा गया, जिसमें कई जगहों पर लोग एक ही जगह सेंटर पर रहने पर विवश है। हमारे बिहियां संवाददाता बबलू के अनुसार प्रखंड के अंतर्गत 14 में से मात्र 7 ही ताला लटका हुआ है, बाकी 7 पर लोग इकट्ठे होकर रहने पर मजबूर हैं। बिहियां प्रखंड अंतर्गत क्वारंटाइन सेंटर 14 पंचायतों में बनाया गया है, लेकिन मात्र 7 ही सेंटर कार्यरत है, बाकी 7 सेंटरों में ताला लटका हुआ है। भोजपुर दर्शन के कैमरा टीम ने देखा कि 7 पंचायतों में जो क्वारंटाइन का सेंटर बनाया गया है उसमें ताला लगा हुआ है। कारण जानने पर मालूम चला कि इसमें रहने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, जिसके चलते इस सेंटर में ताला लगा हुआ है। कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया कि एक ही सेंटर में कई पंचायतों के लोग आकर रहा करते हैं, ताकि उन्हें व्यवस्था काफी ही अच्छी मिल रही है। इस संदर्भ में लोगों का क्या कहना है, सुनते हैं। पंचायत में आइसोलेशन सेंटर जो बनाया है उसको लेकर क्या कहेंगे? कई ऐसे पंचायत जो है बंद पड़ा हुआ अभी तक। 14 भिया प्रखंड के प्रखंड में पंचायत भवन में चाहे कहीं भी बनाने का आइसोलेशन जो सेंटर बनाने का केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा माने जो भी बाहर से व्यक्ति आ रहे हैं उनकी जाँच कर 14 दिन रखना है और जांच कर और वो सेंटर नहीं 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 बना है। इसके चलते बिहियां में सेंटर बना है लेकिन ऐसे कई सेंटर जो बंद पड़ा है उसके लेकर क्या कहेंगे? बंद पड़ा है इसके लिए जो भी उसमें अधिकारी हैं उन नोडल पदाधिकारी जो उनको नोडल पदाधिकारी जो है उनसे भी हम जो पंचायत भवन बनाए हैं उन जाकर उनको देख रखना चाहिए। जो व्यक्ति है बाहर से आ रहे उनको जाँच कराए, अन्यथा तो जो कटे पंचायत के भी लोग बहुत लोग बिहियां आए हुए हैं जाँच का दवाई बिहियां चल रहा है सेंटर में है, सेंटर में है पंचायत में नहीं है लोग बिहार सेंटर में है। और जो पंचायत भवन खाली पड़ा हुआ है जो भी राशि इसका आ रहा है दुरुपयोग किया जा रहा है। जो पंचम वित्त से खर्चा करने का आदेश मिला था मुखिया जी लोग को उसमें सैनिटाइजर वगैरह ऐसे चीज हो रहे हैं कि नहीं पंचायत में? नहीं, हमारे देखने से कोई प्रखंड में अभी कोई कार्य नहीं हो रहा है। जो कार्य होता तो कटे पंचायत के लोग भी आते हैं। पाउडर जो पंचायत में ब्लीचिंग पाउडर हो चाहे साबुन हो मास्क हो सही ढंग से बांटना चाहिए था। सर सफाई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए भी हम चाहेंगे कि उच्च स्तरीय से मांग कर सही गरीब को न्याय मिले। ठीक है, परिचय बताइए। रविंद्र प्रसाद, लोक जनशक्ति पार्टी, जिला महासचिव, लोजपा।